लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे बाबा, तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है कि खाली हवा में जिराफ की तरह मुंडिया हिला रहे हो? अरे ओ भाई, हेलो भाई से। अरे हाँ, किसका जी? आप कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहे हैं और हमेशा की तरह आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। रोज मारना है, झाड़ू पोछा हो जाएगा। किसका जी? परीक्षित, ट्रस्ट मी किसका जी, हम इस घर को अपना घर समझ के इसका ख्याल रखते। खबरदार खबरदार, जो इस घर को अपना घर समझा, तुम पेइंग गेस्ट थे, पेइंग गेस्ट। अरे इसका मालिक मैं हूँ, सिर्फ मैं। किसका मिगलानी? कौन है इस घर का मालिक? आप मिस्टर किसका मिगलानी जी। थैंक यू जी। और मेरा किराया? यस सर। अभी दे रहे हो क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ खुजली करूँ। अरे थुक कतई काड़ा मुँह थिंदुए, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? देखो, मेरे वापस आने तक किराया तैयार रखना। yes. नहीं तो तुम जानते हो किसका मगरानी किसी का भी नहीं है। अरे ओ भाई, अरे मार जा कुत्ते टैक्सी वाला, छातो नी सी मुखे। किसका मगरानी? भगवान करे अब तू नहीं, तेरे मरने की खबर आ जाए। Hey guys, good morning, good afternoon. कैसे हैं? चीचा, और कहाँ है आपका भूल भुलैया? कहाँ है बल्लू सिंह? बोला। इधर है बल्लू सिंह। लेट आने दा, आज दा कीरी इधर है। सर, सॉरी सर, वो मैं जरा बाल कटवाने चला गया था। बाल कटवाने गया था? वो भी नौकरी के टाइम पे। आप सर, हो गए भी तो नौकरी के टाइम पे ही थे ना सर। सर माफ कर दो ना, गलतियों को ना माफ। गलती मुझसे हुई है यार, मैं तो जैसे बेवकूफ लेट लेती काम छोड़ना नौकरी पे रखिया। देखा सर, गलती आपसे हुई और अब नौकरी से मुझे निकाल रहे। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, समझे? ये कोई उम्र है सुधरने की? वो तो दफा हो जा, दफा हो जा, तो मैं पागल जाऊंगा यार। सर एक तो होटल ठंडा, धंधा मंदा, ऊपर से तू जलील बंदा। धंधा तो मंदा होगा ही ना सर। ये देखिए, ये बाबा आदम के जमाने की पुरानी घटिया बोरिंग सी रेसिपीज दे रहे हैं आप कस्टमर्स को। मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि मैं कुछ नया पकाता हूँ, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो मना कर रहे हैं। तेरे माँ बाप ने भी अच्छी एक्सपेरिमेंट की है। अच्छा, उसका रिजल्ट ये है। सर अभी आप पर्सनल हो रहे हैं, मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। तो अभी तक क्या मैं तेरे को राष्ट्रपति सम्मान दे रहा था, पद्म भूषण दे रहा था?
स्वाति खान, नमस्ते इंडिया। हेलो, क्या मैं मिस्टर भावेश से बात कर सकती हूँ? ठीक है, हाँ जी, आप बोल रहा हूँ। मिस्टर भावेश, मेरी .com से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ दिनों पहले आपने हमारे थ्रू ग्रैंड हयात में शेफ के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था। हाँ दिया था। कंग्रेचुलेशन मिस्टर भावेश, आपको नौकरी मिल गई। मिल गई, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट कल से आप जॉब ज्वाइन भी कर सकते हैं। कल से? जी हाँ। ओके, मैं आ जाता हूँ। अरे कोई है? अरे कोई मेरे को बताएगा मैं बाजार किस लिए जा रहा हूँ यार? काली मेरी, क्या बोलता था तू? क्या बोलता था? मैं घटिया कुकू। 7-star होटल में नौकरी मिली है मुझे, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट पर, समझा क्या है? अपनी पहली सैलरी से एक मिर्ची का पैकेट खरीद कर तुझे लाके दे दूंगा। उसका क्या करना है तुझे पता है? क्या करना है? पिछवाड़े में लगाना। लात मारता है भावेश वर्मा तुझे और तेरी 2% की नौकरी को, समझा? हेलो स्वाधिकार, नमस्ते इंडिया। हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। memory.com से बोल रही हूँ। मैडम, एक सेकंड होल्ड कीजिए। सुन बल्लू, आप बोलिए मैडम, बोलिए। मिस्टर भावेश मकवाना, मुझे आपको इन्फॉर्म करना। मैडम, मकवाना नहीं, सिसोडिया वर्मा। हाँ जी, वर्मा जी। हाँ मैडम, भावेश वर्मा, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन। भावेश वर्मा? हाँ। आपका नाम भावेश मकवाना नहीं है? नहीं। Then I'm sorry, ये नौकरी तो भावेश मकवाना को मिली है। Sorry for the misunderstanding. अरे मिस, मिस प्लीज अंडरस्टैंड, मिस प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए This is a powerful car, only for powerful people. आपके जैसे tough personality के अलावा किसी के हाथ में मैं steering wheel देख ही नहीं सकता। This is a smooth ride, only for the young generation. किसी बूढ़े खुजल आदमी के हाथ में ये steering wheel मैं imagine ही नहीं कर सकता। Trust me. Yeah, but 25 lakh baht. It's a big price. Price? कीमत की परवाह आप जैसे perfect और experienced लोग कहाँ करते हैं sir? Sir, don't mind. लेकिन अगर मैं salesman नहीं होता और आपका बेटा होता तो कहता कि dad, buy it for mom. क्योंकि उनकी तरह ये गाड़ी भी आपका जिंदगी भर साथ देगी। Trust me, अगर मैं सेल्समैन नहीं होता और आपका बॉयफ्रेंड होता तो ये गाड़ी खरीदने पर सिर्फ एक ही बात कहता, that yes, you're a beauty, but with brains. Trust me. Well, क्या चलेगा, चेक या कैश? Well, अगर चेक है तो कैश होने तक, अगर कैश है तो चेक करके। Trust me. अरे भाई, मुगले आजम लिख रहा है क्या? क्या? 4 lines लिखने के लिए 4 हफ्ते लगाएगा क्या? लिख तो लिया। सुना भाई। सुन, एंकर कहता है, वेलकम दोस्तों, चांद की रोशनी जैसा, सितारों की सैर जैसा, बकरे की खैर जैसा, परियों के पैर जैसा, पेश है आज का हमारा ये एपिसोड टाइम के फेर जैसा। और कीड़े की मौत मरेगा राइटर तेरे जैसा। अबे ओ फ्रस्ट्रेटेड राइटर, ये बड़ा 30 mark का समझता ना अपने आप को, तो बता अगर तू मेरी जगह लिखता तो क्या लिखता? देख, शायर का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक शेर से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहते हुए हैं आंसू, रिश्ते हुए हैं घाव, नोके कलम से मरहम उन पर लगा रहा हूं। इट्स ओनली वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ऑल आई हैव टू टेक योर हार्ट्स अवे। एंड टू टेक योर हार्ट्स अवे, आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जिनके अल्फाजों ने हर मेरे वर्ड्स कट करके बोल रहा है यार। वंडरफुल लाइंस, क्या लिखा है? क्या है? पेपर, ये लेटलॉन पेपर। इसमें लिखा है कि तुम मुझे लेटलॉन बेचने की परमिशन दे ले हो। क्या? Yes, my dear Bladel, ये रेस्टोरेंट बेच कर मैं अपने हिस्से के पैसे वसूल कर लूंगा। और रेस्टोरेंट बेच दूं? हाँ जी, ये रेस्टोरेंट बेच दूं, अपने बाबूजी का सपना बेच दूं,
तुझ जैसे आवारा अय्याश नलायक के लिए बेच दूं। मैं भी उस बाप का उतना ही बेटा हूं जितना तुम उसके बेटे हो। इस रेस्टोरेंट पे मेरा पूरा हक बनता है। हक? हक की बात वो करते हैं जो अपना फर्ज पूरा करते हैं, और तूने बेटे वाला कौन सा फर्ज निभाया है? अपने हिस्से के सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए और ले दे के ये रेस्टोरेंट बचाया है, बाबूजी की आखिरी निशानी, वो भी खाना चाहते हो? कान खोल के सुन, इस रेस्टोरेंट की एक इंट भी नहीं बिके कि एक इंट एक ईंट खरीदे ना तोड़। अगर बिकेगा तो पुला तो पुला, ले तो लौट लेगा। तुम्हारे चीचे थी तुम्हारे मरने के बाद एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ, अगर ये लेतलान बेके मेले हिते ते पैसे नहीं मिले ना तो तुम तो मेला पावल दानते हो ना। ओए रोनी। वालो वालो सिंह जी, कैसे खाने पीने में मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बोलो सिंह जी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ इंस्पेक्टर, सब ठीक ठाक है। मैं इनका तोता भाई लोनी। लोनी? लोनी नहीं, लोनी लोनी। रोनी भाई, रोनी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तोती नहीं तेलाओ, मेरा नाम लोनी है। और ये चाकू? ये चाकू तो हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। बाबर जी थे प्यार दमातली चाकू से ताते थे ना भैया। मैं जाता हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा। एक्सप्लेनेशन नहीं, काम चाहिए। काम चोर, सबको फ्री की सैलरी चाहिए यहाँ पर। जाओ जाकर वीकली सेल्स रिपोर्ट कंप्लीट करके लाओ। जाओ, गेट लॉस्ट। अबे हंसता क्या है, ट्रस्ट मी, अब तेरी बारी है। हाय, गुड मॉर्निंग। वाओ, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे। कितनी बार बार मेरे सामने सीधे खड़ा रहा करो। आई हेट दिस आर्टिफिशियल बॉडी लैंग्वेज ऑफ योर्स। Sorry, man. सुनाज, फिर तुम लेट है? Switch that bloody thing off. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. और अब तो मेरे सर पे खड़े रहोगे कि बैठोगे भी? Thank you. मैम, आपने ये नहीं सुना कि आज हमने दो गाड़ियां भी बेची है? सुना है. Good. ये तो मेरा काम है. फीमेल कस्टमर्स के साथ फ्लर्ट करना, अपने आप को किसी फिल्म हीरो से कम नहीं समझना, यही काम है ना तुम्हारा? This is your full time job. Right? वो काम तो मैं फ्री में करता हूँ मैम। I'm sorry, मैं तो Switch that bloody thing off. आपका बज रहा है मैम। What? मैम, I didn't mean it. Don't get me wrong. मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा था। गाड़ी बिके या ना बिके, लड़की को तो मैं फंसा ही लूंगा, राइट? मैम, अब हाँ, ये मेरी ऑफिस है and I'm more concerned about my reputation than I am about my profits. You get it? But ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है. I do not want any roadside Romeos here. I need a serious salesman. Understand? मैम, अब मैम, but मैम, I said get out. Okay, बस हो गया, बहुत हो गया, it's enough. I can't take it anymore. मैं खुद ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ. मैं खुद आपके जैसे बदतमीज और घमंडी लड़की के साथ काम कर ही नहीं सकता. What? Yes, ma'am. You are sick. आप पागल है. You are crack. मैम, जिंदगी एक echo sound की तरह होती है. इससे जिस तरह सवाल पूछा जाए ना, उस तरह मुड़कर जवाब भी मिल जाता है. इस नफरत के दायरे से प्लीज निकलिए और जिंदगी को सांस लेने का मौका दीजिए. प्लीज जस्ट रिलैक्स. कैसे कुछ करो, तुम्हें मालूम है राजन चैनल हेड की रिकमेंडेशन है और ऊपर से अप्पा कहाँ जा रहा है? अप्पा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, तुम मेरे कैबिन में अकेले नहीं आ सकते. ओके, तो मैं अकेले कहूँ? मेरे साथ मेरे जज्बात है. Let's go. क्या हुआ? फट गई. क्या? पराग, तुम भी ना, अब आ जाएंगे. चलो, तुम शो के कॉस्ट्यूम्स अंदर है वो पहनो. सीमा, ओपन द डोर. अप्पा, हिंदी किस किस्म का आदमी है, हमेशा गलत वक्त पे सही जगह पे टपक पड़ता है.
वो तो यहाँ नहीं आया। आया, इधर आया, मेरे को मालूम, सिक्योरिटी वाला मेरे को बोला उसको छोड़ेगा नहीं। पर अप्पा बिलीव मी, आई एम योर ओन ब्लड। इसीलिए तो बिलीव नहीं होता, वो रास्ते इधर भी होगा जिधर जिधर भी होगा हम उसको ढूंढेगा और उसका सांबर बनाएगा। என்ன ராசுக்கள்? ஹலோ, எஸ் மேர்லோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி? நோ, ஐ டோன்ட் நீட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ், தேங்க் யூ. போலும் I'm all right. और तुम है ना जरा जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती हो। At least आज relax करो। You know I'm leaving, right? Sorry. कितने बजे की फ्लाइट है? 2 बजे की फ्लाइट। What about you? तुम कब आ रही हो पटाया? Joining date कल confirm होगी। तो हमारा job तो confirm है। मेरा भी job confirm हो जाता ना तो life is set. अच्छा सुनो, पटाया में जाकर लड़कियां वर्कियां को पटाने वटाने में मत लग जाना। अर्पिता, you know me. I'm a God-fearing person. पूरे कर्म और मैं never. अच्छे कर्म करूंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा, पूरे कर्म करूंगा तो नर्क जाऊंगा। नर्क? अर्पिता बेबी, I was just joking. Cheer up. Listen, I have to go right now. Okay. पटाया में रहोगे कहाँ? परीक्षित ने मेरा कजिन फ्लाइट ली पटाया सीधा उसके बंगलों पर। मिस्टर सिंह, नो, अरे नौकरी गई तो गई, आई डोंट इवन केयर। ये आरती मैम अपने आपको समझती क्या है? अपने भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? मिस्टर सिंह, आई विल कॉल यू बैक। परीक्षित बेटा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख और इसको मिला बेटे मिले। भावेश, कहाँ था तू? भावेश कहाँ था तू? I was really missing you यार। क्यों? क्यों मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिस नहीं कर सकता है क्या? I mean, they're best friends, yaar. You're like brothers. You don't believe in brotherhood? क्या बकवास कर रहे हैं तू? ठीक है ना? Actually, I was just thinking about us. Us? Us मतलब हम तीन दोस्त यार. हम तीन दोस्त. हम लोग में से, you know, अगर किसी को कभी भी, खुदा ना खास्ता, कुछ भी हो जाए, कोई भी कयामत आ जाए, अगर कोई, जैसे, for example, चल तेरी नौकरी चली जाए. इसे कैसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई? तू बेरोजगार हो जाए, खर्चे पानी का लफड़ा हो जाए, खाने के वांदे हो, तू नंगा घूम रहा हो, कौन करेगा तुझे सपोर्ट? कौन? कौन? मैं हूँ ना, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा ब्रदर, ब्रदरहुड, सच। नेचुरली यार, अभी देखना, छोड़ना। अब मान ले मेरी नौकरी चली गई। शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। मान ले यार, अरे चल ठीक, अगर मैं बेरोजगार हो गया तो तू मेरी सपोर्ट करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स यार, पूछने वाली बात है, दोस्त हूं यार। बस मन हल्का हो गया। हाँ यार, मेरा भी, तुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी, मेरी नौकरी चली गई। मेरी भी। क्या यार, कितना मिस कर रहा था तुम लोगों को मैं यार। एक्चुअली I was just thinking about us, you know, us three friends. Hum teen dost. We are like brothers, man, brothers. What? You guys don't believe in brotherhood? Really, agar, you know, hum teeno mein se kisi ek par, khuda na khasta, God forbid, koi qayamat aa jaye. Jaise, farz karo ke tum dono ki naukri chali jaye. Chali gayi. अब नई नौकरी मिलने तक खर्चा पानी कहाँ से चलेगा? नो वरी, मेरे कुछ सेविंग्स है, कुछ दिनों तक उसी से काम चला लेंगे। नहीं यार, तो
तूने वो पैसे इंडिया भेजने के लिए रखे अपने फैमिली के लिए। तो तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो क्या? बकवास कर रहा है। चल यार, देख बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेट्स गो एंड लुक फॉर सम न्यू जॉब्स, ऑलराइट? यस, एंड लेट्स नॉट ब्लो द जॉब्स दिस टाइम। चल खर्चे पाने तक तो ठीक है, पर उसका क्या? किसका? एग्जैक्टली उसी का। किसका मिलानी आते ही सवाल करेगा, ये घर का मालिक कौन है? किसका? आहा, किसका मुझसे मिमिक्री नहीं होती। भाड़ा कौन देगा उसका? ये तब की तब सोचेंगे यार, अब पहले ये जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते और भगवान से दुआ करते हैं कि अब कोई नई प्रॉब्लम उड़ के ना आ जाए। हेलो 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 हेलो, सवादिखाब सवादिखा। अच्छा आप यही जा रहे हैं ना? हाँ। आप बता सकते हैं इस घर का मालिक कौन है? किसका? किस घर का? किसका? अरे ये जो सामने घर है ना, उस घर का मालिक कौन है? किसका? मैं जाऊँ मुझे कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर। अंदर कहाँ जा रहे हो? घर में। बस उसी घर की बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है? किसका? ओके ये क्या है? एंट्रेंस। उसके आगे क्या है? पोर्च। उसके आगे क्या है? घर। बस इसी घर की तो बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है? किसका? दिखाई नहीं दे रहा ये घर। कौन है भाई, क्या कर रहा है? थैंक गॉड भाई साहब आप आ गए। भेजा फ्राई करके रख दिया था इस आदमी ने। एक छोटा सा सवाल पूछा था, देखिए क्या हालत कर दी मेरी। आप आगे आप ही बता दीजिए कि ये किसका घर है? किसका घर? हिंदी ठीक कीजिए भाई साहब, किसका का नहीं होता है, पूछिए किसका। अरे मैं क्यों पूछूं किसका, मैं बता रहा हूँ ना किसका का। इस घर का, इस घर का, इस घर का बे क्या मालिक कौन है? किसका? जानता है तू? तू आने के पहले फोन नहीं कर सकता था? फोन नहीं कर सकता था? इतनी बार फोन लगाया, तेरा फोन लगता ही नहीं है। अच्छा चल ठीक है, अब तू आ ही गया तो मिलते रहना। चीज़। मिलते रहना? अरे मैं यही रहने आया हूँ। तू कहाँ रहने आया? तुम्हारे साथ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं देख जयेश मेरे भाई, वो किसका मिगलानी है ना, इस घर का मालिक, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खड़ूस और सबसे बड़ा घटिया आदमी है, वही प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम है तो ये घर को छोड़ क्यों नहीं देते? देख भाई चतुर सिंह चतुर्वेदी, ये पटाया है पटाया। यहाँ पे छोकरी मिलना आसान है, घर और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। एडवांस रेंट और डिपॉजिट देने की हमारी हैसियत नहीं। ये जो किसका मिगलानी है ना, इसने ना डिपॉजिट लिया ना एडवांस रेंट लिया, हमें ये घर दे दिया। तो कुछ तो झेलना पड़ेगा ना भाई। करेक्ट। देखो मुझे जॉब के साथ फ्लैट भी मिलने वाला है, अगर जॉब लग जाती है तो तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। सर्विस स्लो है यहाँ की यार। थैंक यू। तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? ओए नो थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता। क्यों? शराब पीना पाप है और जो पाप करता है वो नरक में जाता है। ये शराब थोड़ी है, तो शरबत है यार। हाँ शाओलिन तंबू बैंकॉक बंबू। ओह दिस इज बैंबू जूस, वो पी सकता हूँ मैं। बंबू ठीक है, मैं ठीक तेरे पीछे रहूंगा और जो मैं बोलूँ तो वही लड़की के सामने रिपीट करना, समझा? लेकिन मुझे मिलेगी। ओके। हाय बोल। हाय। हेलो। नाम बोल। आई एम भवेश। भवेश। हेलो आई एम मरिया। बहुत खूबसूरत है आप। बहुत खूबसूरत है। क्यों? बाल जैसे लहराते संगीत के सुर। आपके बाल जैसे लहराते संगीत के सुर। आँख जैसे स्टीमिंग हॉट ब्लैक कॉफी।
आपकी आंख जैसे स्टीमिंग हॉट ब्लैक कॉफी, होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, आपके होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। रेट क्या है आपका? रेट क्या है? I'm sorry. चखले नजरों से यार डसले नमकीन हूँ मैं चखले नजरों से यार डसले जन्नत की हूर हूँ मैं बाहों में आके कसले everybody everybody मिला ले तू मिला ले नजर से से बाहर रह रहे। अच्छा है, अच्छा है, वो कंट्री से बाहर है ना, वरना मैं आज उसको मार कर नर्क में जाता था। देखा मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। तू अगर वो किसका यहाँ होता ना तो ये तो उसकी। अबे वो यहाँ क्या आएगा, फट्टू है साला, हैं? करेक्ट। वो तो उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ घर के चक्कर में आके, वरना तो तोड़ दिया होता नारियल की तरह साले को। इतने भी बुरे नहीं है हमारे किसका जी। बुरे क्या,
सूर्य घूमने को दिल करता है। सही बोला तू एकदम कमीना टाइप का इंसान है वो साला किसका। तो नाम देखा उसका किसका मिगलानी। माँ ने सवाल पैदा किया और छोड़ दिया दुनिया में। साले को हमसे फोन पे बात करनी होती है तो हमको मिस कॉल देता है ताकि हम उसे वापस फोन लगाए और उसकी बकवास सुनने के पैसे भी हम करे। नहीं बोल रहे हो तुम लोग यार। कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस। तेरे को क्यों लूज मोशन हो रहा है? अभी तो कितना फैल रहा था। काट दूंगा, मार दूंगा, मार के नरक चला जाऊंगा, वाट लगा दूंगा। What? अरे वाट नहीं रे, वाट वाट। बस कर यार भावेश, तू बस कर। अबे बस नहीं, हंस हंस, छोड़ा देख के हंस। अच्छा पोस मार के और बोलना। बोलना और बोलना बोलना। उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, हम लोग हैं यार। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग किसका जी को पहचान नहीं पाए। किसका जी? अबे वो भिखारी के नाम के आगे जी लगा के इज्जत की बेइज्जती क्यों कर रहा है? तेरे को बोलता हूँ पराग, एक बार अपने रहने का परमानेंट ठिकाना हो गया ना, किसका के माँ की। अरे इतना महान सवाल पैदा करने वाली माँ कोई मामूली माँ होगी? कब कब आए किसका जी? बताया भी नहीं। एक मिस्ड कॉल ही दे देते। साला तुम लोगों को कितनी बार बोला है इतना मत पियो मत पियो, लेकिन नहीं। वन फॉर द रोड, वन ऑन द रोड, वन ब्लडी अंडर द रोड। ये आ गए ना रोड पे हम लोग। पहले तो सिर्फ नौकरी गई थी, अब साला घर भी गया। अबे तो हम लोग क्या बोल रहा है? इसको बोलना इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। इसके आने की खुशी मना रहे थे ना हम लोग। अबे मैं क्या 14 साल के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ तेरे घर पे जो मेरे आने की खुशी मना रहा था? मेरे को सपना आया था किसका की फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी और वापस आ जाएगा। बात करता है। सवाल ये है कि हम लोग रहेंगे कहाँ? अच्छा अच्छा, अब डोंट स्ट्रेस आउट यार, रहने दो। दो दिन में जयेश की नौकरी लग जाएगी और हम लोगों का घर भी हो जाएगा, है ना? हाँ यार। दो दिन के बाद तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद नौकरी और नौकरी के बाद फ्लैट, मतलब कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे। 20-25? अबे क्या बात कर रहा है यार। देखो देखो, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग सब मिलके कंट्रीब्यूट करके डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं ताकि हम छोटा सा रूम रेंट पे ले सके। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये ले। ये मेरा। ओए ये तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या? क्योंकि आधा से ज्यादा पैसा हमें घर भेजना पड़ता है और जितना बाकी बचता है उसमें हम थोड़ी सी जिंदगी जी लेते हैं। इन शॉर्ट नथिंग। छोड़ यार, तू भी क्या सीरियस हो गया? कॉलेज से लेकर आज तक हमने अपने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव साथ में फेस किए। आज अगर टाइम हम लोगों के साथ नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग तो एक दूसरे के साथ हैं, इस प्रॉब्लम को भी साथ में फेस कर लेंगे। तालियां। ओके, अभी सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऐसा घर हमको मिल जाए जिसमें डिपॉजिट का झंझट भी ना हो और रेंट भी अपने बजट में हो, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, वरना फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। हां, एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो फॉर इट। व्हाट द हेल, लेट्स ब्लडी गो फॉर इट। चल यार, लेट्स गो। हम लोग घर ढूंढने जा रहे हैं हॉकी मैच खेलने? अबे यार सेम थिंग। इनकम है कम, ऊपर से कमरा है गुल, सुन साहेबा सुन, इस दिल की धुन देता है दिल टेंशन फुल। मिल जाए रहने की हमको जगह, फोकट में मिलती है हमको सजा। मिल जाए रहने की हमको जगह, फोकट में मिलती है हमको सजा। सपने तो लाए हैं लेकिन पराए हैं एडवांस रेंट भर। हेलो, हाँ परीक्षित, कुछ बात बनी? नहीं मिस्टर सिंह,
कहीं बजट है तो जगह नहीं है, कहीं जगह है तो बजट नहीं है। कुछ दिनों पहले वो 99acre.com पर मैंने कुछ पेइंग गेस्ट की रिक्वायरमेंट देखी थी, वहाँ ट्राई कर ले, शायद तेरी बात बन जाए। ओके, एड्रेस? भूल जाते हो, याद रखो। बैठो 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 बैठो। हाँ बताओ जी, क्या बात है? बलू जी, हमें आपका कमरा किराए पर चाहिए। हम अपना पर्सनल कमरा क्यों किराए पर देते भाई? हम तो वही कमरा देंगे जो किराए के लिए रखा हुआ है। हाँ जी, हम वही कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। अरे तो आम बोलो ना। आम? पर संतरे की सीजन में आम क्यों बोले? अरे आम मतलब ऐसा बोलो। देखिए भाई साहब, हमने पहले से ही सोच के रखा है कि वो कमरा हम लोग सिर्फ मैंगो मैन को ही देंगे। मैंगो मैन? ओए आम आदमी। एक ही बात है ना, इनको नहीं पता ना। हाँ चलिए भाई साहब, जल्दी हमें अपना इन्फेक्शन दे दीजिए। इन्फेक्शन? ओए इंट्रोडक्शन है। एक ही बात है, इनको नहीं पता ना। मैं हूँ परीक्षित पांडे और ये है मेरा भाई जयेश ठाकुर। अच्छा बताइए, आपको हमारा घर कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक, वेरी वेल मेंटेन। पूरा घर एसी है। वाह, पूरा घर एसी। सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी। एसी के होते हुए? एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं, एसी का मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। बल्लू जी, हाँ जी, अब जरा अपनी शर्तें बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहली शर्त यह है, घर का किराया होगा 20,000 बात, और आप हमको कोई डिपॉजिट एडवांस देने की कोशिश नहीं करेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है, बिल्कुल। और शर्त नंबर दो, ठीक है, इस घर में दारू पीना, सिगरेट पीना, लेट आना बिल्कुल नहीं चलेगा, ये औरतों वाला घर है। औरतें? नहीं, औरतें मतलब? ओ यार, मेरी साली स्वीटी की छोटी बहन, वो हमारे साथ रहती है, अभी शहर से बाहर गई हुई है। मंजूर है? आपकी साली है, आप रखे ना रखे, हम ना मंजूर करने वाले कौन होते हैं? ओए शर्त मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। बल्लू जी, शर्त नंबर तीन बोलिए। शर्त नंबर तीन, आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। क्या? देखिए भाई साहब, हम हमारा कमरा सिर्फ कपल को ही देंगे। हम टाइम वेस्ट कर देता, मैं इस घर में एक बल और नहीं रुक सकता। चलो चल चल। बल्लू जी क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा घर है। ओए ओ का कब्जा कर लिया, चल बाहर, चल चल बल्लू जी, चल बल्लू जी, हमारी शादी हुई है। है? 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 एक मिनट एक मिनट, अभी अभी जयेश भाई ने बोला कि नहीं नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। यही तो आपने गलत सुना, गलत सुना आपने। इसने कहा हमारी नई नई शादी हुई है। नई नई है ना जयेश? कोई नई नई शादी हुई है? हमको लगाओ नहीं नहीं शादी नहीं हुई है। बालू जी मैं समझ गई, इनकी न्यू न्यू वेल्डिंग हुई है। वेल्डिंग? वेल्डिंग जी, वेल्डिंग। एक ही बात है ना, इनको नहीं ना पता। तो कल हम शिफ्ट हो जाते दोनों कपल्स यहाँ का ना? हाँ जी पक्का। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे। टेक केयर स्वीटी जी। आई विल टेक इट। ओके टेक केयर बालू जी। ही विल आल्सो टेक इट एंड यू आल्सो टेक इट। देख अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, साइज ट्राई करना यार प्लीज। ए भाड़ में क्या तू और तेरा घटिया आइडिया, समझा क्या? चला क्या सेक्स चेंज करने को बोल रहा हूँ क्या? मैं ड्रेस चेंज करने को बोल रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। यार जयेश का फ्लैट हो जाएगा ना तो ये ड्रामा कैंसिल, प्रॉमिस। इसको समझा यार। अबे ये होता है और ये होता है, असली असली होता है, नकली नकली होता है, दो मिनट में पकड़े जाएंगे, समझे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उन लोग नहीं पहचानेंगे। मैं उनसे मिलके आ रहा हूँ, बिल्कुल डफर है दोनों और लगते भी है। यार उन दोनों को कुछ दिनों के लिए उल्लू बनाना बहुत आसान है। कम ऑन साइज ट्राई करो, ये दोनों ड्रेस थे। सुपर्ब, कितना अच्छा लगेगा दोनों में, सेक्सी। परी देख बात सुनिए, हम लोग जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत है। मैं जानता हूँ सही नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई डाका नहीं डाल रहे, किसको ठग रहे नहीं है। उनको पेइंग गेस्ट चाहिए और हम पेइंग गेस्ट बन के जा रहे हैं। ओके ये ओके क्या? मैं ये करने के लिए तैयार हूं। मैं गाइस प्लीज, काम नहीं है घर में, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज। ओके ओके पेइंग गेस्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे प्रॉब्लम का क्या करेंगे? कौन सा प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम। ओ गॉड, तो इसलिए मुझे ये टेरेस पर लाने भेजा था। देख राजा, अभी हम दोनों का इज्जत ना तुम लोग का हाथ में, समझ गए? हाँ, पर न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द ये कमीने उसे लुटवाने वाले हैं। <या। laughs>
इनका वाइफ इनकी इनकी वाइफ और ये है करीना इनकी वाइफ जयस की वाइफ थोड़ी बड़ी नहीं है वो क्या ना हम दोनों की बचपन में शादी हो गई थी मैं पैदा हो चुकी थी और ये पैदा ठीक से नहीं हुई थी लेकिन शादी ठीक ठाक हो गई थी अब ये ऐसे रह गए और मैं चलो इधर आइए इनसे मिलिए ये है बल्लू जी मेरे हस्बैंड कबड्डी खेल रही हो जिंदी रहो बल्लू जी और ये है करीना जयेश के साथ इसकी वो न्यू वेल्डिंग हुई है और ये है करिश्मा करिश्मा कहाँ गई ओ कार्तिक आले की शर्मा दिया है बल्लू जी ये मेरी स्वीटहार्ट है चेक इट आउट नाइस सोनी लग दिया है आपको इतनी अच्छी लगती है तो हम इसको आपके पास ही छोड़ देंगे आप डिटेल में देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास कुत्ते कुत्ते की कुत्ते हमारे कमरे कुत्ते कमरे कमरे तो उठे 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 चलो 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 सुटी मैंने लगता है जो करिश्मा है ना वो किसी की तरह लगती है बल्लू जी आपको ताबीज और टी बैग एक जैसी लगती है और बोलते हो करिश्मा किसी की तरह लगती है मुझे आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं लगता है मुझे पता है मैं तुझे यही जगह मिली थी पेइंग गेस्ट बनने के लिए अरे प्रॉब्लम क्या हुआ क्या यार यार वो बल्लू सिंह वही बंदा है जिसके यहाँ मैं पहले काम करता था लात मार के निकाला था उसने मुझे क्या मैंने कहा था ना हम लोग सब नरक में जाएंगे चलो चलो यार तू रुक क्या जयेश और भाईश तू सुन ना यार अगर उस बल्लू को तुझे पहचानना होता तो अब तक पहचान लिया होता उसने कुछ दिनों की बात है कुछ नहीं क्या कर रहा कहाँ जा रहा यार सॉरी सॉरी सी अभी मैं तेरे से पूछेगा वो रास्कल पराग इधर आया तो तू बोलेगी नहीं आया इसीलिए मैं पूछेगा नहीं मैं पकड़ेगा उस रास्कल को पकड़ेगा और धोएगा हाँ आज मैं उस रास्कल को छोड़ने वाला नहीं बिलीव मी अप्पा वो यहाँ नहीं है रंब संतोषम ओ रास्कल मैंने कहा था ना
वो यहाँ पे नहीं है अप्पा, आई एम योर ओन ब्लड. अयो रास्कल! सीमा, सीमा मुझे बचाओ, ये गुंडा मेरी इज्जत को बिल्कुल खुश ले. अयो ऐसा नहीं जी, मैं तो मैं तो कहीं की नहीं रही. Oh my God, I don't live anywhere. चाकू निकाल के क्या क्या देख लिया इस हवस के पुजारी ने. तो इसको फोन करो, मीडिया को फोन करो, प्रेस को बुलाओ, राखी सावंत को बुलाओ. मैं एक्सपोज करूंगी. मैं इसे एक्सपोज करूंगी. करीना, प्लीज स्टॉप इट. ये मेरे अप्पा है. हाँ, अरे मैं इसका अप्पा, मैं तेरा अप्पा, मैं सारी दुनिया का अप्पा. फादर फिगर. कैसा फादर है? चाकू निकाल के फिगर देखता है. वो कहां जैसा चक्कर कर ये फोन. अरे आई एम सॉरी माय मिस्टेक. अरे मिसअंडरस्टैंडिंग. आई एम सॉरी यार. अयो ये कौन जी? अप्पा ये करीना है, मेरी फ्रेंड. स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आई थी, अभी जा रही है. हां पुलिस के पास. गुड. पुलिस. एए, अम्मा. आई एम नॉट योर अम्मा. ओके आई एम सॉरी, बट पुलिस को मत बुलाओ. क्यों नहीं बुलाऊं? क्योंकि ये मेरा अप्पा है. तो क्या होगा? तुम्हारे अप्पा को मेरी इज्जत से लारा लप्पा करने का कोई अधिकार नहीं, समझे? मेरी इज्जत तुम्हारे अप्पा की इज्जत से बहुत ज्यादा कीमती है. अरे दुनिया वालों ने तो चांद तक को नहीं छोड़ा, तो एक अबला बेसहारा औरत को क्या छोड़ेंगे? दुनिया की उंगलियां उस पर उठती रहेंगी और औरत का दम घुटता रहेगा. और मैं ये घुटन सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं. सीमा, नेवर, नॉट, एब्सोल्युटली नेवर. बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं ये सो कॉल्ड इज्जतदार आदमी के चेहरे से शराफत का नकाब उतार के जमाने को दिखा दूं. मिल गया. मेरे को राइटर मिल गया जी. अयो क्या डायलॉग बोलता, क्या भाषा इस्तेमाल करता जी. कमाल है जी. चांद को उंगली करके बेसहारा औरत का इज्जत उतर गया. वाह वाह, आज से तुम मेरा परमानेंट स्क्रिप्ट राइटर जी. एक्शन. रिएक्शन. ओए सिंह. अरे परीक्षित, तू यहाँ कैसे? बस यार वो अपना ड्यू चेक लेने आया हूँ, चल निकल. वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा. ओए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आरती मैडम ने मना किया है. आरती मैम ने मना किया? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. मैं भी. होल्ड ऑन होल्ड ऑन. अगर आप ये समझ रही कि मैं आपसे सॉरी बोलने आया हूँ तो आई एम सॉरी. सॉरी? I'm sorry. I'm sorry for my bad behavior, and I'm sorry for everything. And I want to thank you. I want to thank you for changing my life. मैं कुछ समझा नहीं. परीक्षित, जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती. मैंने अपनी जिंदगी अपने डैडी के नजरिए से देखी है, और उनके डिवोर्स के बाद मैंने उनको खुद से लड़ते हुए देखा है. मैं भी उन्हीं की तरह बन गई, खुद से नाराज, जिंदगी से नाराज, सबसे नाराज. और जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी, तो मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझे इसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है. और जब मैंने ऐसा किया, देन आई रियलाइज्ड कि मैं बिल्कुल घाटे में नहीं रही. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो. और यू लुक मच प्रेटियर लाइक दिस. थैंक यू. गुड मॉर्निंग सर. सर मैं वो अपना. छोड़ो. क्या सर? इंट्रोडक्शन छोड़ो. मैं जानता हूँ यू आर आर्किटेक्ट जयेश ठाकुर फ्रॉम इंडिया. तुमने हमारे नए प्लांट के लिए डिजाइन भेजे. सर मेरे डिजाइन देखो. क्या सर? मैंने तुम्हारे डिजाइन देख लिए ईमेल में. दे आर गुड. आई एम इम्प्रेस्ड. भाई मैंने तुम्हें एज एन आर्किटेक्ट ही अपॉइंट किया है. थैंक यू सर. अब छोड़ो. क्या सर? मेरा मुंह ताकना छोड़ो और अपना अपॉइंटमेंट लेटर साइन करो. ओके सर, वन मोर थिंग. वो जो कंपनी अपार्टमेंट अलॉट करने वाली है, वो कब तक मिल जाएंगे? छोड़ो. नहीं सर, वो नहीं छोड़ सकता मैं. टेंशन छोड़ो. जैसे पुराना वाला आर्किटेक्ट निकल जाएगा, वो अपार्टमेंट तुम्हारा है. एक 10-15 दिन लगेंगे. ओह एक्सीलेंट सर, थैंक यू वेरी मच सर. छोड़ो. क्या सर? हाथ छोड़ो. और आखिर में इतना कि कितने मिटे, कितने लुटे इस आशिकी में. दिल जले, घर भूखे, जख्म लगे इस आशिकी में. क्यों ना हम भी देखें, थोड़ा मिटकर, थोड़ा लुटकर, क्या मजा है इस आशिकी में. आपसे दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए आपके इस दोस्त रोमियो को दीजिए इजाजत. टेक केयर. शब्बा खैर. गुड नाइट. स्वादी. कट इट. ओके. वेरी गुड. वेरी गुड. व्हाट अ
स्क्रिप्ट माइंड ब्लोइंग आयो मिस करीना माय चॉइस ही माय राइटर वेरी गुड वेरी गुड फैंटास्टिक आपने मेरे अल्फाजों में जान डाल दी जहांगीर भाई जरा यहां आना बैटरी चेंज करने के आया आया आयो रास्कल शायद आपको बोल रहे हैं आपके बाल ओ हया मैंने आज ही नया स्टाइल मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं रास्कल और तैयार हो गया हमारा चेंग स्पेशल पुडिंग लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है हम इसको हम माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे तैयार हो गया अपना चेंग स्पेशल पुडिंग लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है हम इसको पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है हम इसको माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे नो गो तोतला है हाँ चाकू से डरा रहा है दीदी को डर रहा है ये हम लोग का पर्सनल मामला है तंदू तू तो जानता है ना कि मैं तांबवालियों को कितना पसंद करता हूँ हाँ भाई तांबवाली हाँ मैं तेरा काम तमाम करती हूँ ऊपर है ना लगता है सिर्फ ऊपर का ही काम करती है ना ये पपी ले लो बैड मैनर्स स्कूल में कुछ सिखाया नहीं क्या तू ली नहीं गया लेडीज फर्स्ट पहले मैं ओके ओते पिनते चलो मुंह ऐसा करो माय गॉड करण पेट थोड़ा अंदर वेरी गुड आंखें बंद कर हां कर लो ना अब बोलो बजरंग बली की रोनी मेरा अपना खुद का छोटा भाई छोड़ो जी करिश्मा जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने जो स्वीटी की मदद की है और ये लिया वेरी हैप्पी और ना जी ना आज तो भाई भाई के नहीं होते हैं पता है आपने हमारे लिए जोखम उठाया है ओहो खुश किता जी खुश किता ओहो पर जी एक प्रॉब्लम है क्या क्या प्रॉब्लम आज से आप लोग इस घर में पेंगे दे सकते हैं सॉरी बल्लू जी क्योंकि आज से आप लोग इस घर में पेइंग गेस्ट नहीं बल्कि फैमिली मेंबर हो हमारे अपने स्वीट इसका मतलब अब हमें किराया नहीं देना पड़ेगा नहीं जी आप हमें नहीं किराया देने वाला फैमिली मेंबर समझे आप क्या हुआ ये पकौड़ा किसने बनाया करिश्मा ने क्यों ऐसा लगता है पकौड़ा मैंने कहीं खाया इससे पहले बड़ी भाभी मैं अभी आई हूँ मैं भी आऊँ भावेश को जानती हैं आप कौन भावेश कुक मैं क्या जानू कौन भावेश कहाँ का भावेश किधर का भावेश कौन है कौन ये भावेश है कमीना डफर मुफ्तखोर चिद्दी चोर कुक था मेरे रेस्टोरेंट में बड़ी भाभी बल्लू जी एक्चुअली ना ये बंदा नाम से कितने चीपू टाइप साउंड करता है ना नाम तो सुनिए भावेश ओह माय गॉड मैं सोचती हूँ ना तुम आई गेट द झुरझुरी कुत्ते 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 कौन कुत्ते वो प्यारा भवेश प्यारा नहीं कबीना भवेश मैं निकाल फेंक गया
मैं हमेशा उन्हें कहना सी देख भाई कस्टमर जो है ना हमेशा एक ही टाइप का खाना खा खा के थक चुके हैं पक चुके हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर मेहनत कर नो आप पैर लाने को तैयार नहीं मैं कहा हट निकाल दिया तुमने बिलावर सही कितना है पर आज आपके हाथ का टेस्टी खाना खा के मेरे को ऐसा लगा अगर ये खाना वो कुक कमीना भवेश बनाता होटल में है तो आज हमारा रेस्टोरेंट किधर से किधर जाता जहन्नुम में करिश्मा का मतलब है कि जहन्नुम में जाए वो भावेश हाँ आग लगे कीड़े पड़े कुत्ते की मौत भरे सांडों की कैंसर होए लकवा मारे एड्स के फोड़े होए खाना फोड़ा ये पकोड़ा खाइए ना ना अच्छे लग रहे ना आपको किसी ने देख लिया तो अरे कोई नहीं देखेगा यार अबे बल्लू जी और स्वीटी दीदी बाहर गए यार इसलिए तो ऐसे खेल रहे वरना मैं क्या इन्हें खेलने देता खेलने देता अरे गए हम लोग यार सुबह एयरपोर्ट किसी को रिसीव करने अरे सुन गुड न्यूज बोलना मुझे नौकरी मिल गई हाँ और नौकरी के साथ मुझे फ्लैट भी मिल गया है बस कुछ दिनों के बाद अलॉटमेंट भी हो जाएगा Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill, what you be doing up that hill? What you be doing up that hill? Use the water to cool it down. Hear the sound. Look at you. Something sa hota hai when I hold your hand. Aisa kyun lagta hai? Nazdikiyan ab badh jaane do. Darna kya ab duniya se? Aa jaave. Let's just chill. Get on top, boy. How's that? Hey, baby Jill. Yeah, just chill. What you getting wet with? The thrill. Billy tick tock, tick tock, tick tock, tick. Khud se hi karta hai. Wanna kiss you, kiss you, kiss you, love. Dil kehta rehta hai. Ab mauka hai. Dastur bhi hai. Darna kya ab duniya se? Aa jaave. Let's just chill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. जिनकी तारीफ आप पूरे रास्ते कर रही थी हाँ कल्पना चलो इनसे मिलो ये है परीक्षित भाई साहब और इनकी बीवी करिश्मा और ये है जयस और उसकी बीवी करीना हाय शी जन रायो फ्रॉड कुत्ता कहीं का कौन टॉमी कौन मेरा कुत्ता तुझे अपनी डॉगी की याद कहाँ से आ गई यहाँ किसी को देखकर कितना प्यार किया कितना भरोसा किया और देखो क्या निकला क्या निकला धोखेबाज चालू निकला मेरे फीलिंग्स को मेरे इमोशंस को हर्ट किया उस टॉमी की कोई मजबूरी नहीं होगी मजबूरी नहीं चीटा ए ग्रेड का
चीटर, नर्क में जाएगा वो, नर्क में। How dare you? अरे अर्पिता, I'm really sorry, हाँ, मेरी फ्रेंड थोड़ी सेंटीमेंटल है। एक्चुअली वो थोड़ी सेंटी और ज्यादा मेंटल है। नो नो, एक्चुअली मेरे साथ इंडिया से आई है ना, शी मस्ट बी टायर्ड। अच्छा अच्छा, चलो चलो, आप सब लोग बताओ ये कौन है। मैं बताऊँ आपकी छोटी बहन कल्पना। करिश्मा, तुम्हें कैसे पता? अरे आपने फैमिली एल्बम दिखाया था ना, उसमें फूफी से लेके चाची तक इतना डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था कि अब तो आपके रिश्तेदारों को मैं कुंभ के मेले में से भी चुन सकती हूँ। वैसे आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है ना, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हेलो, नो पुलिंग, यस त्रिनी। एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड बहुत अपसेट है, उसे जरा देख क्या। नहीं नहीं नहीं, हम अपने नए गोस्ट को सेटल करके आते हैं, तुम लोग रुको। गोस्ट गेस्ट? ओ, बहुत मजा आ रहा है। हेलो अंकल, यही है यार, यही है। हेलो, तुझे क्या हो गया है? चेकमेट? चेकमेट नहीं यार, सोलमेट। सोलमेट यही है वो, यही है वो जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो मेरे लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। इसके प्यार के कुकर में अपनी जिंदगी की खुशियों की मैं रोज एक रेसिपी बनाऊंगा यार, रोज। अबे भैया सुन, कुकर में जाएगा तू, सिट्टी बजेगी हमारी। Forget it! अर्पिता, अर्पिता मेरी बात तो सुनो यार। क्या कहोगे, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें और लड़कों से अलग समझा, लेकिन तुम तो औरों की तरह ही निकले। ये मेरी शराफत थी जो सबके सामने मैं तुम्हारे पोल नहीं खोली। So not trustworthy, cheater, liar, fraud, selfish. इस स्वर्ग में तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्पिता, are you okay? Taxi! अर्पिता, 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 अर्पिता! और सब कुछ शुरू से बताइए, कहाँ मिले, कैसे मिले, पहले आई लव यू किसने कहा, पहली डेट, शादी कैसे हुई, आई वांट टू नो एवरीथिंग। वो एक रोमानी सुहानी शाम थी। ओह भाभी, हाउ रोमांटिक। मैं अपने मर्दों माँ के पास बैठी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पे दवाई नहीं आई तो माँ मर जाएगी। मैं थोड़ी थोड़ी मेडिकल स्टोर पहुंची तो रास्ते में गुंडे, oh my God, चार चार बड़े बड़े मुस्टंडे गुंडे, और उन्होंने मुझे घेर लिया। और तभी इनकी एंट्री हुई। परीक्षित भैया की? तुम्हारे परीक्षित भैया आए और उन्होंने गुंडों को मार के भगा दिया। नहीं, परीक्षित भैया ने गुंडों को नहीं मारा, गुंडों ने परीक्षित भैया को धोया। देयर हैंड वॉश इज बॉडी वॉश। और परीक्षित भैया ने कुछ नहीं किया? किया ना। क्या? परीक्षित भैया ने गुंडों को ललकारा। हाँ? एक एक करके आना, सबको देख लूंगा, ऐसे कहा। फिर गुंडों ने परीक्षित भैया को एक एक करके धोया। भाग गए गुंडे? नहीं, तुम्हारे परीक्षित भैया भाग गए। ओह, आपको अकेला छोड़ के भाग गए? अरे नहीं नहीं, अकेली कहाँ, गुंडे थे ना मेरे साथ। पर अफसोस, हाँ? तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मान नहीं रही। ओह भाभी, I'm so sorry भाभी। अरे मतलब माँ घर पे नहीं रही, वो पड़ोसी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे ना। ओके। डॉग्स मार रहा है। बैट बैट। हे। अरे कौन है जो फ्लैशलाइट मार के अपनी मौत ढूंढ रहा है? बस। डिस्कशन फिनिश। अभी एक्शन। मुरली का खाया फंसा तो यमराज का डाइजेशन भी खराब कर डालता है। तू तो तब भी एक मामूली सड़क का चपोड़ी है। अभी देख, ऐसे यूटर्न गोली डालता है तेरा बॉडी के अंदर, किधर से घुसा किधर निकला पता ही नहीं चलेगा। नहीं मुरली भाई, ऐसा मत करो प्लीज। अबे तोतली मुर्गी, तेरे को क्या हुआ? मैं तेरे को बोला? मैं फोन पे था, फोन पे बोल रहा था। नदीम तुम्हारा दादा बहुत पहले तुका देता अगर वो बल्लू सिंह के तीन दिन बीच में नहीं आते। क्या धासु औरत है भाई, रोनी भाई को क्या सॉलिड पंच मारा है। कप्तान औलत इसने तो याद किया, वरना तुम्हारा पावन दंत है ना। कभी हंसता हुआ गला देखा तुम? जब ये गले पर लाइन खींचता है तो गला हंसने लगता है। दो पीस में नहीं, नहीं मिली भाई, नहीं, प्लीज प्लीज। फोन रख और पैसा अरेंज कर।
फोन पर है, फोन पर है। चंदोग। तीन दिन तक तेरे को मैं दिखाई नहीं दूंगा। पैसा मिला तो ठीक है, वरना तू किसी को दिखाई नहीं देगा। फोन पर है, फोन पर है। पैसा चल दी। अरे भाई, वाइब्रेटर मोड़ से निकलो। पहले बता वो दलिंदा थे ये तब मुसीबत वो पेंडेंट की वजह से हो ली है। अब वो पेंडेंट को मेरी पावर दिखानी पड़ेगी। हेलो, नमस्ते इंडिया। हेलो बलूतिन, मैं लॉनी बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा है? वो तो बोलते बोलते थकता नहीं है। और मैंने पता तो क्या बोलेगा यार, यही ना कि एक हफ्ते में जो होटल बेचने की धमकी दीती थी वो तो खत्म होगी। अब तुझे मैंने होर टाइम पे होर धमकी देनी है। देखो चुप कर, मैंने पता है उन तो साढ़े पेंगे इसकी बात करेगा, धमकी देगा कि मैं जाके उनको समझाऊं कि हमारे बीच में नहीं आना। तो सुनो, साडा फैमिली मेंबर है, छोटे भाई हैं मेरे, समझा? बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। उनके खिलाफ एक भी लफ्ज बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तेरा मेरा। तो रिश्ता भी है, ठीक है, रख फोन। ओए खोते दा पुत्र, तेनु शर्म नहीं आंदी? रख फोन। बल्लू जी, वो तेरी आवाज नहीं क्यों है कमीने? अरे मैं बोल रही हूँ, मैं स्वीटी। ओए स्वीटी जी, मैनू माफ कर, ओ मैनू लगा वो नलायक है। ओ हुक्म कर। हां जी, इनविटेशन आया है फोर प्ले के लिए। अरे काय के लिए? अरे फोर प्ले, हम दोनों को इनवाइट किया है फोर प्ले के लिए। हां जी, किसने इनवाइट किया है? अरे वो नाटक कंपनी वाले ना बल्लू जी, हमारे घर के पास जो वो थिएटर है ना, वहाँ एक साथ चार चार अलग अलग प्ले होने वाले, फोर प्ले। ओहो, फोर प्ले में तेरा मतलब है चार नाटक? अरे एक ही बात है ना, लेकिन बल्लू जी उन चार प्ले में से मुझे सिर्फ एक ही प्ले देखना है, मुगले आजम। इसलिए कॉल आपको और जल्दी आ जाना, क्योंकि पहला फोर प्ले ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगा। और आपको तो पता ही है बल्लू जी, फोर प्ले का स्टार्टिंग मिस किया ना तो क्लाइमेक्स में बिल्कुल मजा नहीं आता। नहीं है? अरे कोई बात नहीं, तेरे को तो पता है मैं बिल्कुल पंचुअल हूँ, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊंगा। खाली मेरे को बता देना किसके घर पहुँचना है जी। मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक दिन। मैं राखी बांध रही थी क्या अपने मुंह बोले भाई को, तभी तुम्हारे परीक्षित भैया वहाँ आए। हाँ। मुझसे कहने लगे चलो ना कहीं खूबसूरत जगह चलते हैं। हाउ रोमांटिक। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे बहन, क्या भाई, माँ बाप नाते रिश्तेदार कोई नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्या हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर नहीं कर सकते? फिर क्या उनके हाथों की थरथराहट आज भी मेरे एहसास में है, उनके सांसों की तपिश आज भी मैं अपने चेहरे पे महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उनके बदन की खुशबू आज भी मेरे सांसों में बसी हुई है। फिर क्या पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी सांसें कौन सी मेरी कौन सी, उनके एहसास कौन से मेरे कौन से। दाल चावल के सारे फासले मिट चुके थे, रह गए थे सिर्फ खिचड़ी। खिचड़ी? सॉरी है, वो भावनाओं में थोड़ा ओवरफ्लो का तड़का लग गया था। भाभी तुम तो बड़ी वो निकली। अरे अभी तुमने देखा ही क्या है। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ दिखता कैसा है वो? कौन कैसा दिखता है? अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अरे आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड शॉफी। वाओ, Now don't tell me, tell Jyoti. बताना कौन है, कैसा है, बताओ ना। अरे बाबा, I really haven't met anyone yet. और लड़का भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अपनी पसंद की कोई चीजें हो ना। हाँ जैसे बताओ ना। He should be a good cook. He should have a good sense of humor. He should be obviously be handsome. जब बात करे तो ऐसा लगे कि शायरी कह रहा है। अगर वो काउबॉय के गेटअप में आ जाए तो मैं तो मतलब जो बेजुबान की फीलिंग नहीं समझ सकता वो हम इंसानों की फीलिंग क्या समझेगा, बोलो तो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे चलो चलो, जाने से पहले भाभी को किसी दे के जाओ। भाभी
गुड नाइट। गुड नाइट कल्पो। हाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कल तुम्हें तुम्हारा वो काउबॉय ड्रीम मैन मिलने वाला है। रियली सीरियसली? चलो जाओ जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। मुआ 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 पराग पराग। खुश रहो। आपका कुकली बुक पल पल के मैं खुद कुकिंग क्लास स्टार्ट किया। Oh, really? Yeah. So, autograph, please, autograph. Oh, sure. Ben. Khush ho. Thank you. Mr. Walma, हमको मालूम नहीं कि आप भी एनिमल लवर। You see, जिनको जानवरों से कोई प्यार नहीं, लगाव नहीं, वो इंसानों की फीलिंग्स को क्या समझेगा? So, I love animals. You see, ये हमारे तरह नहीं होते। इनमें कोई बनावट नहीं, कोई धोखा नहीं होता। जब भी मैं इन खूबसूरत रंग बिरंगी पंछियों को आसमान में उड़ता हुआ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह खुले दिल से आसमान में उड़ सकते। You see, ये गाने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढे, जीने के लिए कोई लॉजिक नहीं ढूंढे और खुशी के लिए कोई वजह नहीं ढूंढे। फिर भी हम इनको खाने के लिए ढूंढते हैं। आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है? ऑफ कोर्स लेट मी थिंक। हॉट डॉग्स, तंदूरी चिकन, सीख कबाब, मटन बिरयानी, फ्राइड पॉम्फ्रेट, पॉक चॉप्स, बीफ स्टेक, स्टफ्ड टर्की, रोस्टेड डक। आप एनिमल लवर? ऑफ कोर्स ये सब बैन कर देना चाहिए, ये कह रहा था मैं। हाँ, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। यू सी, मैं तो फूल पत्ते भी वो खाता हूँ जो पेड़ से मर के गिर जाते। इतनी गिली भी बात। ओह माय गॉड, मेरा आइडल, माय हीरो इज वेजिटेरियन। इट्स ओके। क्या कर रहे हो? नॉन वेज आज से फिनिश। नो नॉन वेज, आई एम आल्सो वेजिटेरियन। कैन आई किस योर हैंड्स? कैन आई टच योर फिंगर? ग्रेट कुक सर। ओके ओके, सिक्योरिटी। उफ, क्यूट डॉग। शेफ काउबॉय, एक्सक्यूज मी। Hi. Hello. Kalpana. Bhavesh. अभी आपकी अंदर बातें सुनी। अच्छा? बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पशु पक्षियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। यह हक उन्हें ईश्वर ने दिया है और किसी इंसान को यह हक नहीं है कि उनसे उनका यह हक छीन। ऐसा सब तो नहीं सोचते। मैं सब की तरह नहीं सोचता। So you're a chef? हाँ, बस एक छोटा मोटा सा। आपके फैंस के रिएक्शन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। But where do you work? होटल इंटरकॉन्टिनेंटल का नाम सुना है आपने? अरे, वहाँ का मैनेजर तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। वहाँ से राइट लीजिए, होटल फोर सीजन्स बीच रोड पर। अरे, वही फ्रेंड वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है। वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, होटल ग्रैंड हयात। वहाँ गई हैं आप? वहीं पर मैं काम करता हूँ, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट। लगता है बहुत कम सैलरी मिलती है वहाँ पे। जी। Otherwise you would have asked me for coffee till now. लंच करेंगे आप मेरे साथ? लंच? वैसे मेरी सैलरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हाय, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है।
चैनल के क्रिएटिव हेड को तुम्हारी स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आई। उनका ये कहना है स्क्रिप्ट राइटिंग की यही स्टाइल होनी चाहिए। इनफैक्ट अप्पा को अल्टीमेटम मिला है कि अगली बार से करीना ने स्क्रिप्ट नहीं दी तो उनकी पोजीशन भी डामाडोल हो सकती है। तो अप्पा तुमसे अभी मिलना चाहते हैं इडियट। ओके लेकिन वो राज के लग अप्पा कूल। ओके कूल कूल आई एम कूल ऑलवेज कूल। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? वैसे तंबी माई इस कुर्सी पर ज्यादा सूट करता ना। लुंगी पहनने वाले सूट की बातें नहीं किया। ए राजकर मैं कुर्सी से उठने की बात करता, ये मेरा कुर्सी जी। तो बैठो अपनी कुर्सी पे। जचता 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 तुम इस कुर्सी पे बहुत जचता जचता। हाँ बैठो बैठो मेरा क्या, मैं तो किधर भी बैठ सकता है इधर भी बैठ सकता है। मैं डिसाइड किया कि तेरे को एक चांस देना मांगता, ट्रायल चांस। मैं तेरे को टेंपरेरी राइटर बनाने को रेडी। तुम रेडी नहीं पिल रही हो, बट एनीवे नो थैंक्स। आई वांट अ परमानेंट जॉब विद अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट। मैं तेरा गोला। अब्बा कूल, रिमेंबर डॉक्टर। कूल कूल। मैं तेरा गला चेक कराएंगा, क्या स्वीट वॉइस, कितना अच्छा गला, लेकिन परमानेंट जॉब है थोड़ा प्रॉब्लम। ओके तो चलता हूं। जचता जचता तुम परमानेंट राइटर जचता। और 3-year कॉन्ट्रैक्ट वो तो ठीक है। देना ही है, वो तो देना ही था ना। यो वो भी कंफर्म्ड। और भी कुछ जी? हाँ, मैं आपकी बेटी सीमा से शादी करना चाहता हूँ और मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ जी। मतलब गेट आउट रास्कल इन द पो। जा रहा हूँ मैं। अब सच में जा, जाने दो। मैं चला गया तो मेरे साथ आपकी पोस्ट भी चली जाएगी। ये तेरे को किसने बोला? आईओ सीमा तुम, यू टू। पापा आई लव हिम बट आई डोंट लव हिम। ये फैमिली का सपोर्ट करेगा। देखिए सर, मैं इसे सपोर्ट कर लूंगा लेकिन अपनी बाकी की फैमिली को आपको खुद सपोर्ट करना होगा। चुट चुट देगा। पापा प्लीज मान जाइए ना प्लीज। ओके जचता। क्या जचता? तुम दोनों का जोड़ी जच चुका। Yes. Bye. 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तू क्या कर रहा है? क्या बाय बाय कर रहा हूँ? ये गलत कर रहा है तू। गलत क्या? मैं बचपन से बाय बाय ऐसे ही करता हूँ। तू कैसे करता है ऐसे? अबे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ। पहले से हम कब प्रॉब्लम है जो तो इनविटेशन देके पोंगे ले रहा है? देख कल्पना बल्लू जी की साली है। साली बहुत सॉलिड है यार। देख तेरी वजह से हम जो कल पकड़े जाने वाले ना वो आज पकड़े जाएंगे। अबे नरके अमरूद, तू मेरी लव स्टोरी में क्या कर रहा है? वो मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तुझे देखा तो बस से उतर गया ना। चल अब चढ़ जा। अब देख कहाँ जा रहा है? अबे घर नहीं जाना क्या? चल ऐसे जाएगा घर? गेटअप कौन चेंज करेगा, तेरा बाप? तू मेरे बाप पे मत जा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप पे मैं गया। और वैसे भी वो गेटअप उनको अजीब लगेगा। अरे फोन आया। हेलो, यस मिस्टर चाओ चाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। सेटिंग सर, डोंट यू वरी, आई हैव भाई एकदम सॉलिड एकदम डोले शोले बन गए आपके। अप डाउन क्या चाहते हो? लेप तलना चाहते हैं। अरे क्रैक टाइप के इंसान हो तुम भी, इतनी सी बात के लिए इतनी मेहनत की। चलो लाओ जो भी है दे दो, घर जाके लगा दूंगी। इधर लगाना दल लाते क्या लगाई दी? अरे ऐसे कैसे इधर लगाएंगे? लेप उपटन क्रीम ये कोई पब्लिक में लगाने की चीज है? अबे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन में आई है क्या? लेप नहीं भाई, रेप कहने की कोशिश कर रहे हैं। दो तीन दिन चलाऊं? अरे तुम लोग मेरा रेप करोगे? भाई ये तो खुश हो रही है। मेरी मतलब देखिए और तू तो देगी। चल चल क्या तो चाहिए? बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। चल मत आएगा, ये दवा सही है। छोड़ दो मुझे। देखो आज तक किसी पराये मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। भाई
ये अफसोस जता रही है, हम दोनों को उकसा रही है। अरे छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ना छोड़ना छोड़ना, छोड़ दे ये, छोड़ देना। अरे ऐसे कैसे तो? नहीं भाई आगे मत बोलना, अब बोलोगे छोड़ और आपके मुंह से कुछ और ही निकलेगा। पता है ना पिछली होली को क्या किया था? अरे बिल्डिंग की सारी औरतों को जाके कहा क्या मैं तुम पे रंग लगा सकता हूँ, और रंग की जगह पे इनके मुंह से क्या निकला पता है? कितना पीटा था हम दोनों को। छी और तो क्या अच्छे मार खाते हुए शर्म नहीं आई? जनाब पलई होले के समय नाम को लग कुत्ते शर्म आ गई। तू बाल के नर लग, तब तक मैं तमाम तमाम पेल के आता हूँ। ओके भाई चल तू जा, अच्छी बात छोड़ दे, जाने दे जाने दे। तू मेरी पावर नहीं जानती है, मेरे साथ फुआगार बनाने के लिए तैयार हो जाओ। और जो वो देखता ना उसके बाद हम किसी को कुछ दिखाने के लायक नहीं रहते। रिलैक्स यार, टेक अ चिल पिल, तू मर्द है यार, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? किस एंगल से मर्द लग रहा हूँ मैं? अब तो हॉर्मोन्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लग गए। और वो ये इसका जयेश, वो जयेश साला बचाने आया था कि पिटवाने आया था समझ में नहीं आ रहा था। रेप होता ना तो शायद दर्द थोड़ा कम होता। अच्छा छोड़ यार, तू कितना बोलता है। जो भी हो गाइस, इस बात का पता स्वीटी दीदी और बल्लू जी को नहीं होना चाहिए। अननेसेसरली बात आगे बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते यार। लेकिन रोनी का क्या? उस तोतले ततैयो तो नहीं थो लेंगे हम, हमारे धलती दत्त पे हाथ डालता है। तू सेब खा रहा है? तरबूज नजर आ रहा है? नहीं एक्चुअली मुझे सेब के अंदर कुछ और नजर आ रहा है। कीड़ा आधा? जी है। सवाल, बाकी का आधा कहाँ गया? भाई जवाब, बाकी का आधा इसके पेट में गया। करीना, करिश्मा, 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 क्या? करिश्मा उल्टी कर रही है। परीक्षित मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। थैंक यू किसके लिए? करिश्मा उल्टी कर रही है। अरे तू उल्टी कर रही है तो सीधी करवा देंगे, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? करीना परीक्षित बाप बनने वाला है। What? बाप, बाप? अरे कमीनो। दीदी, दीदी। अरे दीदी। कमीनो? 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 अभी अभी यार। हटो तुम, हटो। इधर, 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 इधर। बैठो, बैठो। एकदम खुशी की बात है करिश्मा। कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ? दीदी, मुँह से बोलूँ? एकदम खुशी की बात है। अच्छा दीदी, फिर भी मुझसे ही बोलो। करिश्मा दीदी, खुशी की बात है, खुशी की बात, खुशी की बात है, खुशी की बात, खुशी की बात है, खुशी की बात है।
दीदी दीदी ये औरतों की खुशी ना मर्दों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होती, बार बार बीच में टांग अड़ाते रहते, अभी खबरदार बीच में आया तो चुप रहो, समझे? हाँ दीदी बताओ। करिश्मा इस घर में है ना एक नया मेहमान आने वाला है, कुछ कुछ नया मेहमान, ये तो वाकई में खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारकबाद देनी है ना तो इन्हें दो। इन्हें क्यों? यही तो बच्चे के बाप है। ये तू बच्चे का बाप अलकाट कमीने, तुझे शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाते है उसी में क्या बोल रही है तू करिश्मा? हाँ अरे स्वीटी दीदी जरा सोचो, जब बल्लू जी को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पे? अरे क्या गुजरेगी, बच्चे के बारे में सुनेंगे तो बल्ले बल्ले करेंगे। बल्लू जी है बल्ले ए बल्ले, बल्लू जी है जान के बल्ले बल्ले करेंगे कि आपके होने वाले बच्चे का बाप परीक्षित है। नहीं ये नाइंसाफी है, गलतियां आप लोग करो और उसकी सजा मुझ जैसी अबला नारी को भुगतनी पड़ती है। अबला नारी? हाँ। उल्टिया तूने की है, मां तू बनने वाली है। क्या? हाँ तू, दुनिया की सारी औरतें मां बनती है वैसे तू मां बन रही है। अब तू रिलैक्स कर और परीक्षित इसका ध्यान रखना, तब तक मैं पूरे मोहल्ले में ये खुशखबरी सुना कर आती हूँ। अबला बजवा लिया ना अपना तबला, खुशी की बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। और कर उल्टिया। अरे मुझे क्या पता था मेरी एक उल्टी से वो सारी बात उल्टी समझ लेगी। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब मेरे पीछे क्यों पड़े? कोई मेरा रेप करना चाहता है तो कोई मुझे प्रेग्नेंट बना रहा है। सुन सुन एक काम करते हैं, अभी जाके दीदी को बता देते हैं, ये हमारे कीड़े नहीं है, ये उस सेब वाले कीड़े की वजह से हुआ है। अभी अभी चल के बता दे, अभी चल के सब सच बता दे। करिश्मा जी की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है, सब संभाल लेंगे। बल्लू जी लेकिन बात तो सुन, एक एक मिनट का ख्याल रखेगा जी, आप देख रहा और जी पैसे वैसे की फिक्र ना करना, आपका बड़ा भाई जिंदा है, सब हो जाएगा। बल्लू जी अरे बोल ना, बल्लू जी आप सुनिए ना मेरी बात। बल्लू जी चलो जी। ओहो चलो जी जाना है। हाँ जाना किधर है? भूल गए ना, गुरुद्वारे जाना है, करिश्मा के लिए मन्नत मांगनी है और व्रत भी तो रखना है। अजी याद आ गया जी, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है जी, बड़ा खुशी का दिन है, ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। और पता है कल्पना ने बताया उसने अपनी लाइफ पार्टनर चुन लिया है। और फिर पता चला इस घर में नन्ना मेहमान भी आने वाला है। पल्लू जी हम तो कभी माँ बाप नहीं बन पाए, सालों से ये घर सूना पड़ा हुआ है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस घर में किसी बच्चे की किलकारियां भी सुनाई देगी। और रब दा जवाब नहीं है, जो आपने रब दा आप लोगों को जरिया बना के ये अरमान भी पूरा कर दिता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पल्लू जी चलिए ना, गुरुद्वारे के बाद वाइफ स्वैपिंग के लिए भी तो जाना है जी। इसका मतलब है वाइफ की शॉपिंग करानी है? एक ही बात है। एक बात नहीं गलत बात है, चलो आज। हाँ जी हाँ जी बाय। देखना हम लोग सब नरक में जाएंगे। चलो ना प्लीज। कैसी लग रही है? डिफरेंट चले। सिर्फ डिफरेंट? ब्यूटीफुली डिफरेंट, नाइस ना? चलो चलते हैं। अरे क्या चलो चलो परीक्षित, पहली टाइम तुम्हारी फ्रेंड घर पे आई है, करिश्मा से तो मिलाओ। करिश्मा कौन है? करिश्मा डजंट मैटर, तुम चलो ना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जयेश। लगता है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप
आरती। मैं जयेश, परी का कजिन। नाइस मीट यू। सेम हियर। परी, करिश्मा से मिलवाए इनको? यार तुम सब लोग करिश्मा से मिलवाने के पीछे क्यों पड़े हो यार? चलो ना प्लीज, कम ऑन। सब इतना कह रहे हैं तो मिलवा दो ना करिश्मा से। पर भी ये करिश्मा है कौन? भाई। भाई? 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 मैं इनसे बाय बाय बोल रहा हूँ। प्लीज कम ऑन ना। अरे सुनते हो? मेरा बाय बाय? ये है करिश्मा। नमस्ते। मिसेस करिश्मा पांडे, परीक्षित की वाइफ। और आरती, इन्हें मुबारकबाद भी दो। शी इज एक्सपैंडिंग। अरे प्रेग्नेंट है ये, माँ बनने वाली है। प्लान नहीं था। और बाप? पहचान कौन? परीक्षित। परी जल्दी आना। हाँ आजकल मुझे बहुत डर लगता है। तू पक्का नरक में जाएगा। लुक मैम, आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। इट वॉज नॉट इंटेंशनल। वो क्या है कि शादी इतनी सडनली हो गई कि जल्दी जल्दी मैं आपको इनवाइट करना ही भूल गया। मैं ऐसे करते कल ही मैं आपको अपनी शादी की एक स्पेशल ट्रीट देता हूँ। व्हाट मजा है। नहीं ठीक है, जब मेरी बेटी होगी तो उसके पहले बर्थडे का पहला इनविटेशन मैं आपको दूंगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप खुश नहीं है कि आई एम मैरिड? आपको मेरी बीवी करिश्मा पसंद नहीं है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। आप खुश नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप मुझसे प्यार करती है। और यह मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। ये भीगी भीगी आंखें, झुका हुआ चेहरा, टूटा हुआ दिल, क्या क्या छिपाएंगे आप? एंड वन मोर थिंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट मैरिड। और जिसे आपने देखा वो मेरा दोस्त था, भावेश वर्मा। He's a guy, लड़का, बॉय, काफी दिनों से मेरी बीवी बना। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते थे? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वी वर हेल्पलेस। देखो अर्पिता, अगर तुम्हें अभी लगता है कि मैंने तुम्हें चीट किया तो जो माल है है कितने एक पर क्यों? एक रुमाल से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बहुत रोना आने वाला है। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने मेरा टॉमी से सॉरी तुमको डाउट किया। Yara bulla la min, yara bulla la min, yara bulla la min, yara bulla la min. तेरा चेहरा निगाहों से हटता नहीं, ऐसी रंगत ना देखी है मैंने कहीं। ओ तेरा चेहरा निगाहों से हटता नहीं, ऐसी रंगत ना देखी है मैंने कहीं। बातों में है सादगी, आंखों में है चांदनी, मैं दीवाना ऐ रब हो न जाओ कहीं। या रब लालमीन, 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 या रब लालमीन। When I see those eyes I fantasize and criticize my love so weak for you. Know it, girl, it comes alive. You're in my heart, up in my mind. Having your girl, I'm living on my mind. How can I feel? I say it's alright. Shokh chanchal, khoobsurat hai tumhari ye ada. Chand sharmaaye arsh par dekh kar tumko ba khuda, ba khuda tumko, ba khuda, ba khuda tumko, ba khuda.
तुम शख चंचल खूबसूरत है तुम्हारी ये अदा चांद शर्माए अर्श पर देख कर तुमको बाखुदा तुमको बाखुदा तारीफ ना कर मेरी जानू क्या है मर्जी तेरी कुर्बान है तुझ पे हम जिंदगी अब तू है मेरी रब की है कारीगरी जो हो तुम जादू भरी मैं दीवाना ऐ रब न जाओ कहीं या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन I'll be closer in my arms mesmerize you with the charm take you up and take you down and make the heart go round and round better closer close to me cast the spell and you will see heart the pool of love for you stay with you whatever you do मेरा नखरा मेरा जलवा है जहां में दिल नशी सारा आलम मुझको देखे मैं हूं ऐसी महजबी महजबी मैं महजबी महजबी मैं महजबी मेरा नखरा मेरा जलवा है जहां में दिल नशी सारा आलम मुझको देखे मैं हूं ऐसी महजबी महजबी मैं महजबी जब से देखा है तुम्हें होश ना है अब हमें छोड़ के सारा जहां चुन लिया मैंने हाँ तुम्हें बेखुदी पढ़ने लगी आशिकी कहने लगी मैं दीवानी ऐ रब हो न जाऊं कहीं या रब्बुल आलमीन 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 इसका मतलब है तुम करिश्मा हो और ये करीना I can't believe कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। पता नहीं बेबी किस्मत अच्छी थी या गेटअप लेकिन हुआ तो कुछ ऐसी है। हमने डिसाइड कर लिया है कि आज ही बल्लू जी और सूटी दीदी को जाके सब कुछ सच सच बता देंगे। या और वो जो सजा चाहे हमें दे सकते हैं। लेकिन अब हम उनके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा चलो बल्लू जी और स्वीटी दीदी को सब सच बता देते हैं। चलो। One second guys, one second. You can't hurt them directly like this. तुम्हें उन लोगों को बताना होगा कि तुमने जो भी किया वो तुम्हारी मजबूरी थी मर्जी नहीं हाँ लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कैसे बताएं अरे यार do something about it come up with a story किसी का नाम लो कोई कहानी बोलो कुछ भी करो but just don't hurt them you're right पहले उनको थोड़ा ट्रेलर दिखाना पड़ेगा उसके बाद पूरी फिल्म दिखानी पड़ेगी चल अरे चल का गेटअप नहीं चेंज करेगा चेंज कर गया वाली तो काम वाला निकला अब भी इनका काम तमाम करता हूं तूने तो पब्लिक में दुकान खोल दी तू कह रहा है ऐसे ही कपड़े बदलता है हां अरे यार मुझे क्या पता कि दुकान का शटर ट्रांसपेरेंट है शटर ट्रांसपेरेंट भी करते रहते हैं हेलो रोनी भाई चल आउच रोनी तू ओ तो ये रोनी है इसी को तो मारा था ना हाँ पर ये सुधरता ही नहीं है अब इसे फिर मारना पड़ेगा हाँ ये तो वही होगी ना आप बेल मुझे मार तू बड़ी ढीठ टाइप होते हैं ना बेशरम नंगा पैदा हुआ था लगता है ए ए हंसता क्या है चलो निकलो यहाँ से नहीं तो ना छोटी 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 टुकड़े करके ना कीमा बना दूंगी हाँ बल्लू जी और स्वीटी दीदी अब अकेले नहीं है समझे हाँ हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ मिलके तुम दोनों के 12 बजा देंगे अबे तेरी क्या तले तंदू अलग पे हाथ उतार ले तलम नहीं आती है अरे मल दे मल पे हाथ उतार हाँ उठा अरे भाई ये भी तो मर्दी है ना इतनी खूबसूरत इसकी जुल्फी कितनी खूबसूरत
हे भगवान, करिश्मा, ये करिश्मा तुमने कब करा लिया? ये तुम वाई 900 तुए खाके बिल्ली हट चली, मदोना की माँ की बिग मेले हाथ में है। ओह माय गॉड, ये मैं भी देख लो, ये है तुम्हारे लाडले पेंगे की तत्ताई मित्ता बल्लू थिंग धोखे बारी है, तब के तब तुम्हें बेवतुम बनाकर ताला घर साफ करके दाने वाले थे। बालू जी, ट्रस्ट मी प्लीज, हम आपको सब कुछ सच सच बताने वाले थे। इस घर में नहीं, इधर जगह दित्ती सी, इधर अपने छोटे भाइयों से ज्यादा प्यार दिया। क्या मिला ऐसा करके, क्या मिल गया? साड़ी भावनाओं का मखौल बना के अपने मतलब के साडे जज्बातों नु काट कूट कर अपनी चलाकी का फार्मूला बना दिता। कुछ तो शर्म की होती, और कुछ तो खौफ खाते उस रब का। सोचा होगा बेवकूफ जज्बाती अकल के अंधे हैं, झूठे रिश्तों में फंसा कर लूट लो। अच्छा मजाक उड़ा हमारी मोहब्बत का, गलत बात है, गलत बात। दीदी आप तो हमारी बात, बस अब ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हाँ भैया, अपने अपने होते पलाए पलाए, मिसाल तुम्हारे सामने ही खड़े। ए तोतली मुर्गी, मिली भाई हो तुम तलो। चल अब तेरा बहुत हो गया फैमिली एपिसोड, ये ले पेपर, साइन करा के ले गया। हेलो जी, क्या है पेपल? लेट अलोन द पेपल, अपने तन्ने भाई के लिए इतना भी नहीं तल सकते हो, चलो साइन करो पेपर। चंगा। नो बालू जी, वो सारे फसाद की जड़ी रेस्टोरेंट ही है ना, पता किधर साइन करना है। बालू जी देखिए, आपको जो सजा देनी है हमको दीजिए, हमें मंजूर है, मगर ये मत कीजिए प्लीज। बालू जी देखिए, ये रेस्टोरेंट आपके भाऊजी का है, और आप ही ने तो बताया था ना कि कितनी मेहनत से उन्होंने बनवाया। प्लीज गुंडों को मत देना यार। अबे गुंडा किसको बोला बे? सॉरी, एक गुंडा साला मावाली हलकट हरामजादे कुत्ते कमीने रेडडिंग हुड। अबे चूसली की छठी औलाद, बासी चौपसुई चीनी चमूने। अबे चुप, भागो। ए तोतले, तुम लोग नहीं ले, हम लोग। भागो। अबे तोतली मुर्गी, मुझे क्या दिख रहा है, पकड़ उनको। हाँ मिस्टर छाबरिया, डोंट वरी, मुझे पता है आपके बहुत पैसे लगे शो में, आई प्रॉमिस यू। नहीं, डोंट वरी, आई नो दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट चांस, इट विल बी अ बिग हिट। सलीम, तुम भूल रहे हो तुम किससे मुखातिब हो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ, मैं मुखातिब हूँ उस मगरूर बाप से जो शहंशाह के लिबास में अपनी ताकत और शहंशाही का रौब गालिब करने की इंतहाई जलील और बेमानी कोशिश कर रहा है। आपकी ये बुलंद आवाज मेरे इरादों से ज्यादा बुलंद नहीं है जल्ले हिलाई, आपकी शहंशाही, आपके मुगलिया फरमान इंसानों की तकदीर तो लिख सकते हैं लेकिन फिजाओं का रुख नहीं मोड़ सकते। लेकिन आज हमारी मोहब्बत के खून से बादशाह सलामत की शिकस्त की इबारत लिखी जाएगी, या फिर इस मुकद्दस सरजमीन पर हमारी मोहब्बत के जीत का परचम लहराएगा। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने का हक सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम को है, हमें है। चांदी के सिक्कों की झनकार पर नाचने वाली किसी रकासा की ओछी मोहब्बत को नहीं। सलीम, शमशीरों पर जंग की दास्तान लिखी जाती है, मोहब्बत की खोखली और कमजोर शायरी नहीं। अनारकली को पेश किया जाए। अनारकली, ये डायरेक्टर ने फिर से बिना बताए अनारकली को चेंज कर दिया यार। क्या बात कर रहे हैं? खामोश गुस्ताख परीज, होश में आ, बादशाह से रूबरू है तू, बावाजे बुलंद अपने गुनाह का इकरार कर, क्या तू सलीम से मोहब्बत करती है? नो 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 नो, मैं तो जयेश से प्यार करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो अनारकली?
अपनी जयेश कौन है यार? कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं हूँ लंकापति जयेश, अभी लंकापति नरेश। इतना मोगला से मैं रावण की एंट्री? अरे स्पेशल अपीयरेंस होगा। अब अनारकली और रावण के बीच में कोई नहीं आ सकता। आ सकता है, दिल तब पर आ सकता है। ये ताई पर मांगते पेपर मुझे दे दे अनारकली, दे दे मुझे तांबा। भाई सब थमे हुए ही हैं। अरे तेरा नाम ले लो, भाई कोई इज्जत की मार दो। सांबा। अरे ओ तांबा। रावण डार्लिंग। Heads up! अरे हो सांबा, आदमी है तुरमुंदी दास, बहुत नासाफी है। सरदार, इसको तो डिस्को में जाना भी बहुत महंगा पड़ता होगा ना? तू तू? पर हेड 2000, इसके तो 10-10 हेड है। ए तांबा, ये पेपर मुझे दे दे। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दोस्त रावण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सलीम। अरे क्या सलीम सलीम लगा रखा है अनारकली? चलो अब यहाँ से, यहाँ का माहौल अब खराब हो चुका है। तांबा, यहाँ से कोई बाल नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो ये पेपर जाएगा। तेरे बाप के पेपर है, फूलते बत्ते हैं, मिट्टी के बत्ते। ये पेपर मिले मेरा, मिले मेरा, मिले मेरा, कितने तेरे? अबे अली, ये तो जमीन पे पोता लदा ली है, मोदला है ताम वाली। तन्नू, तुझे तो पता मुझे ताम वाली कितनी पसंद है। ताम वाली? The name is जान, उमराव जान। कहाँ है तुम्हारे कान? तन्नू, मुझे तो लगता है तान में तो तीतलेन बोलना चाहती है। भागो! ना मैं जिग्नेश शाह, ना मैं कल्पेश शाह, ना मैं हितेश शाह, ना मैं नसरुद्दीन शाह। हाँ, तुम्हें सती सा। ये कौन है? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह, शहंशाह। एक और शहंशाह? मतलब मेरे दो दो बाप? अम्मी जान ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे साथ भी। कौन हो तुम? ओसामा। अबे ओसामा कौन है यार? एक काम कर भाई, अपना एड्रेस दे दे, कल दो प्लेन आके जवाब दे देंगे। ओ वो ओसामा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, व्हेयर यू आर। अभी बहुत हुआ तुम लोग का ड्रामा। ए रोनी, पेपर लेके इधर आ। अब ये कौन आ रहा है? अरे कैमरा ट्रीटमेंट से आइडिया नहीं हुआ, डेफिनेटली टीवी सीरियल का कोई कैरेक्टर होगा। अब आप कौन? मैं तुलसी हूँ। किसके आंगन की? तेरे आंगन की। शाही दरबार में उगने का मकसद? अरे ओ सामा, ये पेपर्स मुझे दे दो। इसका एक गोली तुम्हारा सारा बॉली बंद कर देगा। भाई ये छोटी छोटी चीजों में आप क्यों पड़ रहे हो यार? आप इसको मार के सीरियल किलर बन जाओगे। कोई फायदा नहीं होता मां जी, ये नहीं मनने वाली है। 5000 एपिसोड से ऐसी इज्जत की आ रही है। मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं बा का पुराना बॉयफ्रेंड और इस गब्बर का परमानेंट दुश्मन अपने साथ लेके आई हूँ। तातुल, वो भी तल डाल दी। तुम्हारे भाई ये तो बल्लू सिंह है। बल्लू सिंह? ठीक पहचानिया। रेस्टोरेंट के पेपर मैनू दे दे कपड़ा। रेस्टोरेंट के पेपर ते यही थे तो पहले ताइन चूतिए। ठाकुर जज्बाती हो गया सी।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਸਾਮਾ। ਚਲ ਪੇਪਰ ਪਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤਬ ਸਭ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਓਏ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਤੂੰ? ਗਾੜੀ ਮੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਕਿਆ? ਕਿਸ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਤੁਮਕੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇਗਾ। ਅਬ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਤਰਮਾ? ਗੋਡੈਸ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ। ਗੋਡੈਸ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ? ਓ ਫੁਲਨ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਤੁਮਾਰੀ ਇਹ ਗਨ ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੇ ਪੇਪਰਸ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੋ। ਚਲ ਯਾ ਫੁਲਨ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਰਾਣਾ ਸੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੇ। ਅਭੀ ਗਨ ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹਮਕ ਦੋ। ਸਵੀਡੀ ਦੀਦੀ, ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ। दे दो पेपर्स, मैं आके भी क्या कर लूंगा। दे दो बोला ना दे रहे। दे दो मिली पावर नहीं डालते हो। कमीने के बाल बाल पावर पावर कर रहा है, बता तेरी पावर। भाई आग माइनस 2.5, भाई आग माइनस 5। आप लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे? दीदी, हमने आपसे झूठ जरूर बोला है, लेकिन जो रिश्ता हमने आपसे जोड़ा था वो झूठा नहीं था। यकीन मानिए, जब तक हम इस घर में रहे, इस घर को अपना घर और आप लोगों को अपनी फैमिली माने। बल्लू जी, जो हमने किया वो गलत था, लेकिन हम लोग गलत नहीं है। बल्लू जी, ओ तेरे को पता नहीं स्वीटी, ये लोग एक नंबर के खोते हैं, चारों के चारों। और ठीक है, एक शर्त पे माफी मिलेगी। क्या? वो तुम लोगों ने जो नन्ना मेहमान का सपना दिखाया था ना, वो सपना पूरा करके दिखाना होगा। नहीं बल्लू जी, ये सपना कभी सच नहीं हो सकता। क्यों? अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हैं? वही माँ नहीं बन सकता, बाप तो बन सकता है। और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे नहीं होंगे। क्या बात है? और शादी तुम्हारा बाप करेगा। ओ जी बल्लू जी, हमने सोचा कि जब तक शादी होती है, इन द मीनवाइल क्यों ना आपके बच्चों वाला सपना ही पूरा कर ले। Everybody come on, jump with me. Jump. Everybody come on, move with me. चखले में चखले ये जवानी मेरे यारा, एक बारी चाहे फिर ना आए ये दोबारा। मौजा ही मौजा कर ले, मस्ती का सौदा कर ले, करना क्या अब दुनिया से। आ जावे let's just chill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Jack and Jill, what you be going up that hill? Gonna give another sexy thrill. Use the water to cool it down, hear the sound. Jump in the water.